इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनेफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर लिसनर्स, हाउ हैव यू बीन, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन। आई एक्सपेक्ट एंड प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट यू मे एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आमीन। मे यू एंजॉय स्पिरिचुअल ब्लिस इन योर लाइफ इन एडिशन टू मटीरियल वर्ल्ड। आमीन सुमा आमीन। आप सब मेरे प्यारे लिसनर्स मेरे साथ और मैं आपके साथ, और इस साथ को हम खूबसूरत बनाएंगे, बामकसद बनाएंगे अपनी एक अच्छे टॉपिक की डिस्कशन के साथ। तो चलिए आज के टॉपिक को एक नज़र चेक करते हैं, लेटर राइटिंग, जो कि आपके इंटरमीडिएट पार्ट वन के सिलेबस का हिस्सा है, आपके सब्जेक्टिव पार्ट जो बोर्ड का पेपर है उसके सब्जेक्टिव पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन। और ये आपके पास मार्क्स इसके होते हैं टोटल 10। और राइटिंग के लिए हमें जिन चीजों को कंसिडर करना है वो है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, मटेरियल कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन हम लाइवली मूड में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं लेटर की डेफिनेशन से। लेटर होता क्या है, अ रिटन मैसेज कन्वेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू अ मीडियम। ये और मीडियम कौन सा है, ज्यादातर ये रिटन होता है, राइट। तो रिटन मीडियम या सोर्स में एक मैसेज का कन्वे किया जाना लेटर की डिमांड होती है। अ रिटन और प्रिंटेड कम्युनिकेशन जनरली लॉन्गर एंड मोर फॉर्मल। अब लेटर चूंकि दो तरह के हो सकते हैं, लेटर्स कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, सो द लेंथ ऑल्सो मैटर्स अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं, तो इन रेलिवेंट डिस्कशन उसका हिस्सा नहीं है और उसको बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं, आई मीन फैमिली मेंबर्स के साथ, तो हमारी जो डे टू डे डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है, हमारी जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस है वो भी उसका पार्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है। मैंने या आपने ये जो पार्ट वन के इंटरमीडिएट लेवल पे लेटर की डिस्कशन करनी है, इसमें हमारी कैटेगरी जो है वो इनफॉर्मल है। इसका मतलब है हमारे पास लेंथ का मार्जिन है। अब वो मार्जिन कितना है, मार्क्स टोटल 10 तो है, मगर किस डिवीजन से है, किस तरतीब से इसका मटेरियल लिखा जाना चाहिए, तो चलिए उसको भी एक नजर देख लेते हैं। और पार्ट्स ऑफ लेटर, लेटर के मार्क्स की डिवीजन इसके डिफरेंट पार्ट से होती है। फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट इज हेडिंग, ओपनिंग पैराग्राफ जो है वो हेडिंग पर बेस करता है। हेडिंग क्या होती है, हेडिंग के अंदर आपने एड्रेस मेंशन करना होता है प्लस डेट। एड्रेस का 1 मार्क होता है और डेट का भी 1 मार्क होता है, ओवरऑल 2 मार्क्स अपने ओपनिंग पैराग्राफ पे आप लेते हैं। अब एड्रेस, वैसे तो जब आपने किसी को अपने इनफॉर्मल लेटर्स लिखने होते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो आपने वहां का एड्रेस लिखना है, लेकिन हम तो एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं ना, तो एकेडेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो एड्रेस है वो सेम रहेगा और वो क्या होना चाहिए, द एग्जामिनेशन हॉल, राइट। और उसके बाद आपने सिटी मेंशन करना है, द एग्जामिनेशन हॉल कॉमा लगा देंगे, फिर सिटी में आएंगे और उसके बाद भी फुल स्टॉप आ जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगी, डेट। उसके लिखने का तरीकेकार क्या होगा, अगली स्लाइड में वो तरतीब से लिख लिख कर देखते हैं कि कैसे किसको कैपिटल कर रहे हैं, कहाँ पे पंक्चुएशन। अभी फिलहाल हम क्या सीख रहे हैं कि उसके अंदर लिखना क्या है और उसके मार्क्स कितने हैं। उससे अगला पॉइंट स्टार्ट होगा, जैसे आपका ओपनिंग पैराग्राफ पॉइंट अप होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, फॉर एग्जाम्पल आप फादर को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे डियर फादर, या फिर अपने कोई फ्रेंड को लिख रहे हैं तो जिसको भी आप लिख रहे हैं उसको जो एड्रेस करते हैं उसको कहते हैं जी सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन 1 मार्क कवर करेगा। सैल्यूटेशन के फौरन बाद मेन बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट की जाती है, मैक्सिमम मार्क्स भी इसी पोर्शन के 6 मार्क्स। और मेन बॉडी जो है ये जस्ट पॉइंट्स में नहीं लिखी जाएगी, इज इन पैराग्राफ्स, इसके अंदर आप वन आफ्टर अनदर पैराग्राफ्स लिखते हैं। पैराग्राफ्स 3 to 5 or 7 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टॉपिक। लेटर का जो टॉपिक है, जिस पर्पज से आप उसको लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके पैराग्राफ की लेंथ ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अलबत्ता जो उसके अंदर कंपल्सरी पैराग्राफ्स है वो हम 3 कंसिडर करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज ग्रैब, द ग्रैब बोलते हैं लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या करना होता है, आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, पर्पस बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन में मैं या आप इनफॉर्मल वे में क्या करते हैं, जी अस्सलाम वालेकुम, और एक दूसरे के लिए अपनी बेस्ट विशेज देते हैं, प्रेयर्स शो करते हैं, किसी की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जी आपकी सेहत कैसी है इसको। और पर्पस का मतलब ये होगा कि आपने उस पहले ही पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर देना है व्हाई यू आर राइटिंग दिस लेटर, किस मकसद से लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर वालों से कोई मंथली अलाउंस इंक्रीज करने की बात करना चाह रहे हैं, तो आपके पहले पैराग्राफ में जहाँ पे आपने सलाम दुआ के बाद हाल अहवाल पूछा, दुआएं शेयर की, तो उसके फौरन बाद आपने क्या करना है कि आपने बताना है आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू इंक्रीज मंथली अलाउंस।
या फिर आपने फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कॉलेज का लिखना है तो भी आप यही लिखेंगे कि आई एम गोइंग टू राइट दिस लेटर टू टेल यू टू शेयर माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन कॉलेज। तो इस तरह करके आपने पर्पज भी साथ ही मेंशन करना होता है। ये पैराग्राफ को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता, बट लैंग्वेज शुड बी वेरी सिलेक्टेड, वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि यहाँ से आप अपने पेपर चेक करने वाले की अटेंशन कैप्चर करेंगे। वैसे भी लफ्ज ग्रैब है ना, ग्रैबर, इसका मतलब अटेंशन ग्रैबर लफ्ज सुनते ना आप, अटेंशन ग्रैबर का मतलब होता है कि ऐसी चीज लिखी जाए जो कि आपकी अटेंशन को ग्रैब कर ले, कैप्चर कर, राइट। इसके बाद फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, उसको ग्रामेटिकली देखा जाए, लिंग्विस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो द हुक का टाइटल दिया जा सकता है। अब ज्यादा सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बताऊं तो हुक क्या है, डिटेल्स शो करना। हुक जैसे कि हमारे घर में कभी ऐसे होती है ना, हमने को हुक वगैरह लगाई होती है, क्या काम करते हैं आप, उसके ऊपर चीजें लटका देते हैं, ठीक है, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे के बाद तीसरी चीज, तो ये चीजों को वो लटकाते चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या मेंशन करते जाना, डिटेल्स वन आफ्टर अनदर मेंशन करते चले जाना। यानी आपका वो अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपने मंथली अलाउंस की बात की तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो आपका पहला मंथली अलाउंस है वो इनसफिशियंट हो गया और आप डिमांड क्या कर रहे हैं कि आपका मंथली अलाउंस जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। तो वो जो रीजंस वन आफ्टर अनदर आप देंगे उसको डिटेल्स कहेंगे, और वो भी आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं। जैसे ही आपका ये डिटेल वाला पोर्शन एंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को आप पहले डिटेल्स वाले पोर्शन से हटकर न्यू पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, बेस्ट विशेज होती है, सलाम होता है, जैसे आप अक्सर जब मैट्रिक लेवल पे आपने लेटर्स प्रिपेयर किए तो आप एंड पे लिख देते हैं वहां पे कि सलाम टू ऑल एट होम, तो ये जो विशेस होती हैं इनको एक्सप्रेस करना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कहलाता है। इसके साथ ही आपका बॉडी ऑफ लेटर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है फिर लास्ट में। और लेकिन यहाँ तक अभी तक अगर हम मार्क्स देखें तो कितने बने अभी तक हमारे पास, 9 मार्क्स बन गए, 1 मार्क अभी रहता है। वो जो 1 मार्क है वो कौन सा है, क्लोजिंग का। क्लोजिंग आपने किससे करनी है, सिग्नेचर भी कह सकते हैं इसको, एंडिंग भी कह सकते हैं, क्लोजिंग भी कह सकते हैं। क्लोजिंग के अंदर आपने लिखना होता है, यानी अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि योर्स अफेक्शनेटली, किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर्स सिंसियरली या फिर ट्रूली। तो जो जिसको आपने एड्रेस किया है ना उसके अकॉर्डिंगली लेटर की एंडिंग फर्क होती है, और इसके मार्क्स होते हैं 1। तो इस तरह ओवरऑल 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। आपको यकीनन पार्ट्स ऑफ लेटर समझ में आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसका मटेरियल अगर लिखा जाए तो वो किस फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉपिक लिया है कि राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, एडवाइज हिम टू फोकस ऑन स्टडी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये टॉपिक है, आगे कुछ भी लगा सकते हैं आप यंगर ब्रदर के लिए, टू सजेस्ट हिम हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये भी हो सकता था। तो यंगर ब्रदर को आपने लिखना। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैंने आपसे क्या जिक्र किया था, एड्रेस। एड्रेस जो है या तो आप वो एक्सट्रीम अपने ये राइट साइड पे लिखेंगे या एक्सट्रीम आप लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, आपके पास चॉइस होती है, आप दोनों में से कोई एक डायरेक्शन ले सकते हैं। मैंने एक्सट्रीम राइट लिए, लिखने के लिए मैंने क्या किया, एग्जामिनेशन हॉल, ई कैप्स में आएगा एग्जामिनेशन का, हॉल का एच कैप्स में होना चाहिए, और एट द एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉमा। ये हमारे पास क्या है, एड्रेस की बिगनिंग। आगे हम इसकी क्लोजिंग कैसे करेंगे, सिटी, सिटी का वर्ड लिखेंगे, और इसके अराउंड जो ब्रैकेट है ना दैट इज ऑप्शनल, आप लगा दें तो भी ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। सिटी नेम यू आर फॉरबिडन टू मेंशन, आपने एग्जैक्ट नहीं देना, अननोन छोड़ देना, ए बी सी। और चूंकि ये आप एक एब्रीवेशन अननोन शो कर रहे हैं तो एब्रीवेशन जो होती है वो डॉट की डिमांड करती है, तो ए के बाद भी डॉट आएगा, बी के बाद भी, सी के बाद भी, और ये रखें भी कैपिटल लेटर। ये हमारे पास क्या हो गया, एड्रेस। एड्रेस के कितने मार्क्स थे, 1। आगे क्या मेंशन की जानी चाहिए, डेट। डेट के लिए आपने मंथ सेलेक्ट करना होता है, ईयर सेलेक्ट करना होता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जो आपकी करंट डेट है, फॉर एग्जांपल आज हमारे पास थी 3rd सितंबर, ये चूंकि 6 अक्टूबर के वाले से भी आप जो भी आप डेट लिखना चाहें, जो आपकी करंट डेट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, यानी अक्टूबर 6 कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2021 डॉट लगा देंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। फर्स्ट जो मंथ है उसके स्पेल कंप्लीट करेंगे, उसका स्टार्ट इन कैपिटल लेटर से करेंगे। ये जो आपके पंक्चुएशन साइंस, कैपिटलाइजेशन, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये भी आपके मार्क्स पर इफेक्ट डालेंगे, ठीक हो गया। तो अब या तो जो भी डेट आपने लिखनी है, ये तो अक्टूबर 6 है क्योंकि जाहिर है जो एक लेक्चर होता है आपका, वीडियो लेक्चर जब एक दफा अपलोड किया जाता है तो उसको टाइम आफ्टर टाइम जब भी किसी ने देखना हो तो वो बच्चा अपने करंट टाइम की डिटेल लिखेगा। सिर्फ उसे ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले उसे मंथ नेम देना है और कंप्लीट स्पेल में देना है, उसके बाद वो डेट मेंशन करनी है, और मंथ को ईयर से सेपरेट करने के लिए कॉमा लाजमी होना चाहिए, और फिर कंप्लीट ईयर लिखकर आगे फुल स्टॉप भी आ जाना चाहिए। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है जिसमें आप इस डेट को, ये जो डेट है इसको शुरू में ले जाते हैं और मंथ को बाद में लिखते हैं। तो याद रखें अगर आप ये डेट शुरू में लेके जाएंगे तो थोड़ा चेंज आएगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा 6th, यानी आपने 6 डाल के ऊपर TH भी डालना पड़ेगा, फिर आप अक्टूबर लिखेंगे,
वन सेकेंड, उसके बाद कॉमा आएगा और आगे हियर और फुल स्टॉप आ जाएगा। ये दो तरीके हैं, मैंने एक लिखा है क्योंकि बच्चा बाज़ औक़ात मेरे दो पढ़ाए गए तरीकों को डबल माइंडेड होकर तीसरा ट्रिपल वन जो है वो अपनी मर्जी से ईजाद कर लेता है और फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते। जस्ट जैसे मैंने रिटर्न एक ही शेयर किया ताकि आप डबल माइंडेड ना हो और एग्जैक्टली जो चीज देख रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो कर रहे। इनफैक्ट मेरा या आपका मकसद या पर्पस क्या होता है कि हम उस चीज को पे कॉन्सेंट्रेट करें एज इट इज, जिसपे हमारे मार्क्स लेने की का मार्क्स ले लेने का मार्जिन, जहाँ पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना, बेशक वो ट्रेडिशनल, ये जरूरी नहीं होता कि आपने न्यू क्रिएटिव जो राइटिंग आ रही है उसी को फॉलो करना है। याद रखें क्रिएटिविटी अच्छी चीज है, लेकिन पाकिस्तानी हमारा जो बोर्ड का सिस्टम है ट्रेडिशनल आइडियाज पे चलता है, तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए हम ट्रेडिशनल स्टाइल को फॉलो कर लें। क्योंकि मुझे या आपको ये कंफर्म नहीं होता कि हमारा पेपर चेक होने के लिए किस शहर में, किस गांव में, किस टीचर के हाथ में जाना है, और चूंकि उनके पढ़ाने का एक अपना तरीकेकार हो सकता है, तो हो सकता है वो क्रिएटिविटी को लाइक ना करें। तो फिर मैं या आप इस पोजीशन में थोड़ी होते हैं कि जाके उनको समझा के हैं कि नहीं नहीं भी ये भी तरीका ठीक था। आप पाकिस्तान में जो पेपर चेक हो चुका होता है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उस टीचर के ऊपर जाके कोई अपनी ऐसा केस नहीं कर सकते कि वो वेरिफिकेशन आपको आगे दे। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि अपना स्टाइल वो अडॉप्ट करें जिसमें कोई भी टीचर, चाहे ओल्ड आइडियाज रखता है, न्यू रखता है, कोई एक्सपीरियंस टीचर है, कोई न्यू है, शहर का है, गाँव का है, इन एनी केस उस चीज को एक्सेप्ट कर जाए। तो इस वजह से द मोस्ट ट्रेडिशनल स्टाइल को मैं प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आपके मार्क्स बेहतर रहे। अच्छा जी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। इसके बाद क्या है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जाहिर है यंगर ब्रदर को लिखा जा रहा था, मैंने लिख दिया डियर ब्रदर। अगर ये फादर को होता तो मैं डियर फादर भी लिख सकती थी, अंकल भी हो सकते थे, फ्रेंड भी हो सकता था, फ्रेंड का नाम भी हो सकता था। हमने याद क्या रखना था कि डियर का डी और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है ना, चाहे वो ब्रदर है, फादर है, फ्रेंड है, उसका इनिशियल लेटर डी कैपिटल होना चाहिए। सैल्यूटेशन में याद रखें जो दो वर्ड आप यूज करते हैं वो दोनों ही कैपिटलाइजेशन की डिमांड करते हैं। फिर उसके बाद क्या पुट किया जाता है कॉमा। ये कितने मार्क्स आपको देगा 1 मार्क। इसके बाद आपने लेटर स्टार्ट किया, लेटर का इंट्रोडक्शन एबीसीडी मैंने करके ये ड्रॉप कर दिया कि पैराग्राफ को हमेशा 4 कर्सर की स्पेस के बाद देना चाहिए। यानी कर्सर की स्पेस कितनी होती है, जैसे आप जब ये अपना कोई चीज टाइप कर रहे थे तो आप स्पेस देते हैं ना, तो 1 2 3 4, 4 कर्सर की स्पेस आपने बेटे यहाँ से देनी है डियर से। अगर आप स्टार्ट करें 1 2 3 4, 4 कर्सर की स्पेस के बाद आप अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन था, मैंने पीछे जिक्र कर दिया उसका, फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद अगला पैराग्राफ आप वंस अगेन नीचे 4 कर्सर की स्पेस के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मिला मिला के नहीं लिखना। तो ये बॉडी ऑफ ऐसे लिखने का स्टाइल का, बॉडी ऑफ ऐसे के अंदर मटेरियल मैंने आपको बताया कि वन आफ्टर अनदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे, फिर उसके बाद पर्पस भी बताएं, फिर पर्पस लिखने के बाद उसकी डिटेल्स बताएं, फिर एंड पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बताएं। अब बच्चा कहता है जी मैम इसकी लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ के लिए सबसे पहले तो एक बात अपने माइंड में सेट कर लें कि क्वालिटी मैटर्स अ लॉट रादर देन क्वांटिटी। सबसे पहला काम क्वालिटी पर होना चाहिए, क्वालिटी वर्क हमेशा आपके लिए रिक्वायरमेंट में होना चाहिए, बजाय इसके कि आप क्वांटिटी देखें कि जो 2 पेजेस लिखने, 4 लिखने, 6 लिखने। वैसे एक नॉर्मल जो लेटर है ये 2.5 पेज कवर कर सकता है, लेकिन आपके लिए टेंशन में आने की जरूरत नहीं कि मैम ने 2.5 कह दिया तो पता नहीं मेरे लिए भी उतना ही है। अब हर बच्चे का अपना कैलिबर होता है, हर किसी के पास अपना मटेरियल होता है, किसी के पास मटेरियल जितना है उतना ही बेहतर। और उस मटेरियल के अंदर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या कोटेशन आएगी। एक्चुअल में जो कोटेशन होती हैं ये एक लेटर राइटिंग की डिमांड नहीं होती है, लेकिन हमारी डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट जगहों पे कुछ टीचर्स हैं वो ये बात कह देते हैं कि चलें फ्लॉबरी स्टेटमेंट्स हैं और वो चीजें हमारे लेटर की मटेरियल को ब्यूटीफाई करती हैं। ओके आई एक्सेप्ट इट, आप कोशिश करें एक कोटेशन डालें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। अलबत्ता अगर आप 2 पेजेस का लिख रहे हैं तो एक कोटेशन एक पेज पे, दूसरी कोटेशन अगर बहुत ही आपको जरूरी लग रही है जी, बड़ी बेस्ट मैच कर रही है, अगले पेज पर भी एक पेज पर एक से ज्यादा कोटेशन अनअक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक्चुअल में जो कोटेशन है वो लेटर का हिस्सा नहीं है। अगर आपने इससे ज्यादा कोटेशन ऐड करनी है तो इसका एक और तरीका भी, जरूरी है कि आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट करके लिखें, नो। आपने वोकैबुलरी आपको अच्छी चाहिए थी, आप उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमास एज इट इज अपनी स्टेटमेंट्स के दरमियान में एडजस्ट कर दें, उससे क्या होगा लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, मटेरियल भी ज्यादा इंप्रेसिव लैंग्वेज में लगेगा, और वो जो डिमांड है कि एक पेज पे एक कोटेशन है वो अगर ज्यादा आ भी गई है तो वो हाईलाइट भी नहीं होगी। तो ये एक तरीका और हो सकता है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आप अपने लेटर को ज्यादा इंप्रेसिव टच दे सकते हैं। यहां तक बेटे आपको समझ आ जानी चाहिए थी कि बॉडी ऑफ ऐसे में कौन सी चीज कितनी लिखनी है।
आगे मैंने फिर ये लाइंस बनाई थी कि जब आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, आपने वंस अगेन 4 करसर की स्पेस देनी। बेशक आपका प्रीवियस पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे जाके एंड हो गया था, आगे लाइन खाली थी, आप निचली वाली लाइन पे आगे थे, लेकिन पैराग्राफ राइटिंग की डिमांड होती है कि एवरी टाइम आप 4 करसर की स्पेस दें और अपना पैराग्राफ स्टार्ट करें। मैंने तो एक एक लाइन में किया, जाहिर है आपका पैराग्राफ इससे ज्यादा लेंथी होगा, काफी 3 4 लाइन के बाद जाके कहीं एंड हो रहा होगा, और जरूरी थोड़ी कि यहीं पे एंड हो सकता है, आपका पैराग्राफ यहाँ पे एंड हो सकता है, यहाँ पे हो, तो जहां भी एंड हुआ है आपने न्यू पैराग्राफ का स्टार्ट जो है वो प्रोमिनेंट करने के लिए 4 करसर की स्पेस देनी होती है। यहाँ तक बेटे हर बात क्लियर है? और इसके बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग में क्या करना होता है, आपने याद रखना है कि जहां से ओपनिंग पैराग्राफ का आपने स्टार्ट लिया था, अगर एक्सट्रीम राइट पे मैंने राइट से लिया था ना, तो मैंने इसकी एंडिंग कहाँ पे की है, राइट पे। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट पे होंगे तो आपकी एंडिंग भी लेफ्ट पे होनी चाहिए। आप मेरे कर्सर की पोजीशन के साथ साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मैंने चूंकि इसको सिलेक्ट किया था राइट पे, तो मैंने एंडिंग भी की है राइट पे। राइट में लिखने में मुझे क्या लिखना है, योर्स अफेक्शनेटली। यंगर ब्रदर को लिख रहे हैं, अगर आप बड़े हैं, किसी बड़े की तरफ से छोटे के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या छोटे से बड़े, बड़े से छोटे की तरफ इंटरेक्शन हमारा एज डिफरेंस के साथ हो, फ्रेंडशिप में ना हो, तो अफेक्शन होती है। ठीक है, वो जो अफेक्शन होती है, जो ये अफेक्शनेट बिहेवियर होता है, उसके लिए आप योर्स अफेक्शनेटली लगाएंगे। योर्स में बहुत से बच्चे बाज़ यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। डोंट फॉरगेट टू कीप इन योर माइंड दैट अपोस्ट्रोफी इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये कभी भी पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में नहीं है, ये डिलीजन के साथ आ सकती है, पोजेशन के साथ आ सकती है, मगर पोजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन के साथ नहीं आती। इस वजह से आप में से कोई भी बच्चा योर्स में ये अपोस्ट्रोफी का यूज ना करे। अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली में आपने ऑब्जर्व किया कि मैंने ए को स्मॉल ही रखा है, अगर ये कोई एप्लीकेशन होती ओबीडियंटली तो वो भी स्मॉल होना चाहिए था, अगर ये किसी फ्रेंड को लिखा गया लेटर होता तो मैंने सिंसियरली लिखना था या ट्रूली लिखना था, तो मेरा एस वी या टी भी स्मॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोजिंग होती है ना, ये आपके जो सैल्यूटेशन होता है ना शुरू में डियर फादर की तरह, उससे फर्क होती है। जो सैल्यूटेशन होता है उसमें दोनों वर्ड्स को आपने कैपिटलाइज करना होता है, जो क्लोजिंग होती है इसमें सिर्फ इनिशियल लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल चलेगा। क्लियर है बेटे? योर्स अफेक्शनेटली, और उसके बाद क्या पुट किया है, कॉमा। कॉमा के बाद Once again, you are forbidden to mention your name, your role number, your section. Not such details are required. ये details required नहीं है आपको। अलबत्ता अगर आपने इदारे में रहते हुए कोई आपको प्रॉब्लम आ गई है, आप वाकई अपने इदारे के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, फिर आप लिखेंगे कि मेरा ये रोल नंबर है और मेरा ये नाम है, मेरा ये सेक्शन। लेकिन अगर आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तब आपने क्या करना है, अननोन देना है इसको, एक्स वाई जी। चूंकि ये अब्रीविएशन है, एक्स के बाद भी डॉट, वाई के बाद भी डॉट, जी के बाद भी डॉट, वाइंड अप कर दिया। और मैंने ये स्पेस क्यों दी है, सिर्फ इसलिए कि आपकी राइटिंग को थोड़ा बैलेंस टच देने के लिए, कि ऊपर और नीचे का लेवल बैलेंस लगे, इसलिए। जरूरी नहीं है कि ये स्पेस हो, और आप इसको कट्ठा कट्ठा भी लिख सकते थे, बस ये कि किसी चीज को खूबसूरत बना देने के लिए, इंप्रेसिव टच देने के लिए, बैलेंसिंग उसकी मेंटेन करने के लिए, हम जो चीजें थोड़ी बहुत चेंज करते हैं वो हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ तक बेटे क्लोजिंग है, और आई होप सो कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अब मैंने थोड़ा सा एक और भी स्लाइड में शेयर किया, चॉइसेस होती है। चॉइसेस क्या होती है, एक तो डेट लिखने की चॉइस मैंने पीछे जिक्र किया था आपसे, कि डेट जो है वो दो तरह से लिखी जा सकती है, या तो आप अप्रैल मंथ पहले लिखें, डेट बाद में लिखें और आगे ईयर मेंशन कर दें, या आपने अगर डेट को शुरू में लेके आना है 30, तो फिर इसके साथ टी एच भी लगाना पड़ेगा, 30th। अगर ये 2 होता तो एन डी लगता, सेकंड। अगर ये 1 होता तो फर्स्ट एस टी लगता, ये भी आपने याद रखना है साउंड के मुताबिक। इसके बाद मंथ है, वंस अगेन कॉमा है, ईयर है, फुल स्टॉप है, दोनों में से कोई एक चीज आप एडॉप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो आपकी क्लोजिंग होती है ना, ये भी दो तरह से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको पढ़ाया था योर्स अफेक्शनेटली, अगर आपने योर्स एस लगाना है, इसका मतलब है अगले वर्ड के एंड पर एल वाई भी लाजमी है, फिर आपने क्लोजिंग कर दी। या मैं ये नहीं करना चाहती, योर्स मैं लेना नहीं चाहती, मैंने क्या करना है, योर लविंग नीस कह सकते हैं, योर लविंग सिस्टर कह सकते हैं, हमने चूंकि ब्रदर का पढ़ा था तो योर लविंग ब्रदर हो सकता है। तो याद रखें, अगर मैंने योर के साथ एस नहीं लगाया तो लविंग के बाद एल वाई भी नहीं है, या तो ये योर्स लविंगली हो सकता था, या फिर योर लविंग, ये ऊपर वाले को ठीक कर लेते हैं, योर्स की बजाय योर लगा लें, अफेक्शनेटली की बजाय लगा क्या लगाएंगे, अफेक्शनेट। ठीक है, तो वो इस तरह से करके, मतलब यानी अगर एस आता है तो एल वाई भी आता है, अगर एस हटा दें तो एल वाई भी हट जाएगा, और आगे आपको नाउन की जरूरत पड़ेगी। नाउन में आप ब्रदर लिख सकते हैं, सिस्टर लिख सकते हैं, फ्रेंड लिख सकते हैं, व्हाटसएवर, और फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा के फौरन बाद वही एब्रीवेशन वाला पॉइंट एक्स वाई जी के साथ मेंशन कर देंगे। और एप्लीकेशन फ्रेंड के लिए योर्स ट्रूली लिखा जा सकता है, योर सिंसियरली लिखा जा सकता है, फ्रेंड के लिए कभी भी आप अफेक्शनेटली नहीं लिखेंगे, राइट? तो इस चीज को जरा सहन में रखना है आपने। और अगर आपने ये एल वाई वाला पॉइंट नहीं देना तो क्या आएगा, योर ट्रू फ्रेंड, फिर कॉमा आएगा और एक्स वाई जी आ जाएगा। क्या बेटे आपको समझ आ गई कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रही थी?
ये जो डिफरेंसेस हैं इसके मुताबिक भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। सो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही मटेरियल था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने तमाम आइडियाज को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, हर चीज आपकी समझ में आ गई है। सो अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई बात के साथ एक दूसरे से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी स्टडी की मेंटेनेंस पर भी वर्क करें।